श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग एक। सो जब श्री गुसाई जी आप आगरे पधारते तब ज्ञानचंद के घर उतरते। ऐसी कृपा श्री गुसाई जी ज्ञानचंद के ऊपर करते। सो केतेक दिनन में ज्ञानचंद की देह असक्त भई। तब ज्ञानचंद को भूमि शयन कराए। तब सगरे वैष्णव ज्ञानचंद के घर आए। तब उनसो ज्ञानचंद ने कहो, जो तुम सगरे जो को आवत हो तो सब कोई मोह ऊपर कृपा करी के भगवत नाम को उच्चार करो। तब वे सगरे वैष्णव भगवत नाम को उच्चार करन लागे। सो को पंचाध्यायी, को वेणु गीत, को युगल गीत, को गीत गोविंद, को कीर्तन करे। या प्रकार सगरे वैष्णव भगवत नाम को उच्चार करन लागे। सो ज्ञानचंद अति आनंद सो श्रवण करन लागे। सा पाछे जब अपनो समय निकट आयो तब ज्ञानचंद वैष्णवन सो कहे, जो सुनो। एक समय श्री गुसाई जी के जन्मदिन पर श्री गुसाई जी केसरी स्नान करी के केसरी धोती ऊपर ना श्रीहस्त ते धरत हैं। ताही समय हो जाही दंडवत कियो तब प्रभु ने जानियो, जो पाछे सो आयो है। तब श्री गुसाई जी हरिदास सो जल मंगवाई के चरणों रख दिए और कृपा करी के मोसो श्री गुसाई जी पूछे, जो ज्ञानचंद तू कब आगरे सो आयो है। तब हो श्री गुसाई जी सो विनती कियो, जो महाराज अभी चलियो आवत हूँ। ताही समय श्री गुसाई जी को ज्ञानचंद ध्यान करी के सगरे वैष्णव बनसो श्री कृष्ण स्मरण करी के तत्काल देह छोड़े। सो वे ज्ञानचंद श्री गुसाई जी के स्वरूप में ऐसे आसक्त हते। सो वे ज्ञानचंद नवीन देह धरी के श्री गोकुल में श्री गुसाई जी को जाई के दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने पूछा, जो ज्ञानचंद तू कब आयो। तब ज्ञानचंद ने श्री गुसाई जी से कहियो, जो महाराज हो अभी आयो हूँ। इतने में श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन खुले। तब ज्ञानचंद दर्शन करी के लीला में प्राप्त भये। सो वे ज्ञानचंद श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कही है। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो जब श्री गुसाई जी आप आगरा पधारते तो ज्ञानचंद के घर में उतरते। ऐसी कृपा आप ज्ञानचंद पे करते। ऐसे ही कुछ दिन बाद ज्ञानचंद की देह अशक्त हुई। तब इनको भूमि पर लेटाया गया। तब ज्ञानचंद ने वहाँ खड़े सब वैष्णवों से कहा कि तुम सब आए हो तो भगवत नाम सुनाओ। तब किसी ने पंचाध्यायी गाया, किसी ने वेणु गीत गाया, किसी ने जुगल गीत, किसी ने गीत गोविंद के कीर्तन करे। तब ज्ञानचंद ने आनंद से भगवत नाम का श्रवण किया। फिर जब ज्ञानचंद ने जाना कि अब मेरा समय आ ही गया है, तब ज्ञानचंद ने सब वैष्णवों से कहा कि सुनो। एक समय श्री गुसाई जी के जन्मदिन पर श्री गुसाई जी केसरी स्नान करके केसरी धोती ऊपर ना श्रीहस्त से धरते हैं। उसी समय मैंने जाके दंडवत की। तब श्री गुसाई जी आपने जाना कि ये पीछे से आया है। तब हरिदास से जल मंगवा के चरणों दग दिया और कृपा करके मुझसे पूछा कि तुम आगरा से कब आए। तब मैंने विनती करी कि महाराज अभी ही आया हूँ। उसी श्री गुसाई जी का ध्यान धर के ज्ञानचंद सभी वैष्णवों से श्री कृष्ण स्मरण करके तत्काल देह छोड़ी। तो वे ज्ञानचंद श्री गुसाई जी के स्वरूप में ऐसे आसक्त थे कि उसी समय तत्काल नहीं देह धारण करके श्री गोकुल जाके श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने पूछा कि ज्ञानचंद तुम कब आए। तब ज्ञानचंद ने श्री गुसाई जी से कहा कि महाराज मैं अभी ही आया हूँ। इतने में श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन खुले। तब ज्ञानचंद दर्शन करके लीला में प्राप्त हुए। तो भी ज्ञानचंद श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरण आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभ मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाऊं श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंदलाला।
वल्लभी विष्णु सदा सुहाग। जय श्री कृष्ण।